अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बावन गजा के श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय। आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की अनन्य कृपा से, भक्ति के कागज पर, अनुभूति की कलम से आरिका श्री पूर्णमती माता जी ने अपने हृदय रूपी वीणा के तार को झंकृत किया और उसी झंकार के रूप में प्रस्फुटित हुआ प्रभु भक्ति शतक। नाथ आपकी मूर्ति लख जब मूर्तिमान को लखता हूँ, ऐसा लगता समव शरण में प्रभु समीप ही रहता हूँ। सर्व जगत से न्यारा भगवन द्वार आपका लगता है। अहो अहो आत्मा से निसृत परमानंद बरसता है। नंत काल उपरांत आपने शाश्वत सिद्ध देश पाया, उसी देश का पता जानने आप शरण में हूँ आया। ऐसा लगता शिव पथ की रुचि मुझ में प्रथम बार जागी, राग भाव का राग छोड़ मैं बन जाऊं चिर वैरागी। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी, धन्य धन्य वह अद्भुत क्षण जब स्वानुभूति की लहर उठी। फिर तो आत्मिक धन पाने को ध्यान कुदाली को पाया, एक अकेले ज्ञान कक्ष में खुद खुद निज सुख पाया। मेरी नंत गलतियों को करुणा कर तुमने क्षम्य किया, पल पल दोष किए हैं मैंने फिर भी आकर दर्श दिया। शक्ति मुझे दो ऐसी भगवन क्षमा सभी को कर पाऊं, सब जीवों में समानता से मैत्री भाव से भर जाऊं। इस कलयुग में आप मिले इससे अच्छा धन क्या होगा, इन नैनों को आप दिख गए और दर्श अब क्या होगा। नहीं कामना दृश्य जगत की मात्र आप दिखते रहना, स्मृति दिलाकर मुझको मेरी झलक दिखाते भी रहना। जग की सब देहात्मा से प्रभु मूरत बिल्कुल न्यारी है, राग द्वेष से भरा जगत प्रभु वीत राग हितकारी है। आप मिल गए पुण्य योग से और अधिक अब क्या पाना, जिन भगवन से निज दर्शन पा अपने में ही खो जाना। नाथ आपके नंद गुणों की थाह नहीं मैं पा सकता, निकट आपके आना चाहूं किंतु नहीं मैं आ सकता। कदमों में नहीं शक्ति प्रभु जी बालक पर करुणा कर दो, दर्श करो मैं अभी यहीं से नैनों में ज्योति भर दो। पर संबंध छोड़ कर स्वामी द्वार आपके आया हूँ, आप अकेले में ही मिलेंगे ऋषियों से सुन आया हूँ। बाल दृष्टि रख कर मैं भगवन चरण शरण में हूँ आया, शब्दों से मैं बता न सकता प्रभु तुमसे क्या क्या पाया। नाथ आपने निज दृष्टि को
निज दृष्टा में लगा लिया। पर में ले जाने वाले जो कर्म शत्रु को भगा दिया। स्वतंत्रता का ध्वज फहरा कर चिन्मय देश विचरते हो। निजादीन अव्यय सुख पाकर नित आनंदित रहते हो। आत्मिक गुण गाऊं प्रभु तेरा ऐसी मुझको भक्ति दो। भक्ति रस चख पाऊं ऐसी इस रसना में शक्ति दो। बाह्य दृष्टि होने से अब तक देहिक गुण गाए स्वामी। मुझे ले चलो आत्म देश में अर्ज करूं अंतर्यामी। बाह्य नयन से दिखते ना हो श्रद्धा नयनों से दिखते। भक्ति रस से भर जाऊं तब स्वात्म वेदी पर ही दिखते। तुम्हें देख अब ऐसा लगता क्या देखूं नश्वर जग को। तन मन जीवन धन सब तेरा मान लिया सब कुछ तुमको। देह बिना निज ज्ञान कक्ष में नाथ आप क्या करते हो। हो कृत कृत्य तदपि भक्तों के मोह तिमिर को हरते हो। निज को देख लिया है ऐसे लोकालोक सहज दिखते। सकल गेय ज्ञायक हो तदपि निज से निज में ही रमते। नंत काल से नंत जीव को प्रभु मैंने तड़फाया है। किंतु क्षमा सिंधु तुमने ही सबसे क्षमा कराया है। नाथ आपकी विराटता का दर्शन मैंने यही किया। निज सम सब जीवों को माना मैंने सबको क्षमा किया। जब जब देखूं ऐसा लगता प्रथम बार ही देखा है। समीप पल पल रहना चाहूं किंतु कर्म की रेखा है। कर्मों की दीवार तोड़कर शीघ्र पास में आ जाऊं। पास आपके आ जाऊं तो निज को भी मैं पा जाऊं। भगवन में जब सम्मुख आऊं सब विकल्प शांति पाते। निर्विकल्प दशा पाने के भाव हृदय में भर जाते। एकमात्र ही शरण आपका अपूर्व आनंद देता है। जो सुत माँ की गोद प्राप्त कर आत्म शांति पाता है।